तो दोस्तों स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सुफियान। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको मिथ और रियलिटी डीप वेब डार्क वेब के ऊपर, मतलब कि लोगों ने क्या क्या मिथ फैला रखी है डीप वेब और डार्क वेब को लेके दोस्तों, और क्या इसकी रियलिटी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगा क्या क्या चीज़ें। देखिए डीप वेब डार्क वेब होता क्या था, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डीप वेब और डार्क वेब। तो डीप वेब डार्क वेब इंटरनेट का बहुत ही बड़ा पार्ट है, जैसा कि हमारा गूगल या हमारे फेसबुक वगैरह एक इंटरनेट के पार्क है, तो ये हमारे सरफेस है जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके नीचे आता है दोस्तों डीप वेब और डार्क वेब, जिसके लिए हमको एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए होता है, टॉर ब्राउजर। उसके बाद हमें उस एड्रेस के उसका एड्रेस पता होना चाहिए, जैसे जो भी हमारा जहाँ पर हम सर्व करें तो उसका ओनियन में एड्रेस होता है, तो एड्रेस का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमको किस एड्रेस पर जाना है। तो दुनिया के जितने भी इलीगल वर्क होते हैं, जिसको बोल सकते हैं इलीगल एक्सपेरिमेंट वर्क वगैरह, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या एक्सटॉर्शन, हिटमैन हायर करना, तो दोस्तों ये सब डीप वेब और डार्क वेब पे होता है। और डीप वेब डार्क वेब अगर हम इसका वो फिगर देखें दोस्तों, तो ये 96 या 97% इंटरनेट का डीप वेब और डार्क वेब में, बाकी जो 3% 4% हम लोग यूज़ करते हैं वो सरफेस वेब है दोस्तों। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होगी कि जो इसकी मिथ और रियलिटी क्या क्या है, मतलब जो दोस्त लोगों ने फैला रखी है भाई डीप वेब पे मत जाइए, डार्क वेब मत जाइए, यूज़ मत करिए, ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब कि डीप वेब डार्क वेब नहीं है दोस्तों, एक आतंकवादी या टेररिस्ट ग्रुप हो गया भाई, अब जाइए मत वहाँ, भटकिए मत, तो आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, तो ऐसा कुछ नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए हम आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये टॉर ब्राउजर आपको दोस्तों देख रहा होगा, स्टार्ट टॉर ब्राउजर, इसको डाउनलोड करना हो तो इसको डाउनलोड करने के लिए चले आप अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए, कोई भी गूगल क्रोम वगैरह, तो आप यहाँ पर डाउनलोड टाइप करिए टॉर, मतलब टॉर डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, टाइप कर लीजिए यहाँ पे, आपको ये दिख रहा होगा टॉर, तो यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप इस डाउनलोड पर क्लिक करिएगा। दोस्तों ये जैसा आपको दिख रहा है कि ये मेरा, मतलब कि आपको एक वेब पेज खुलेगा, जैसे आपको ये दिख रहा है डाउनलोड 64 या डाउनलोड टॉर ब्राउजर, तो आपको ये डाउनलोड टॉर ब्राउजर पे क्लिक करना है दोस्तों। ये आपका दोनों पे दिखा हुआ है, ये आपका 64 बिट का और OS है, तो 64 पे आप करिए, 32 या 32 पे करिए दोस्तों विंडो, आपको जो भी विंडो को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जब इसको इंस्टॉल करेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा। तो हमेशा दोस्तों याद कर रखिएगा कि टॉर ब्राउजर जो भी जब भी ओपन होता है दोस्तों, वो बाय डिफॉल्ट मिनिमाइज होकर ओपन होता है, मतलब ये फुल स्क्रीन पे ओपन नहीं होगा, क्या हाफ स्क्रीन पे ओपन होता है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि ये देखिए टॉर ब्राउजर जो भी तो हैकर लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, मतलब मैक्सिमम हैकर लोग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो इससे आपकी जो भी मैक्सिमाइज अगर आप इसको करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए मैक्सिमाइज टॉर ब्राउजर कैन अलाउ वेबसाइट टू डिटरमाइन योर मॉनिटर साइज विच कैन बी यूज टू ट्रैक यू, वी रिकमेंडेड डेट यू लिव टू टॉर ब्राउजर विंडोज इन दी ओरिजिनल डिफॉल्ट साइज। तो मतलब दोस्तों इसको आप डिफॉल्ट साइज आप इसको ऐसे ही यूज़ करिए, मतलब इसको आप थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, मैक्सिमाइज करने पर दोस्तों आप ये ट्रैक होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है आपका ये ब्राउजर। तो आप जब टॉर ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए मेरा आई पी एड्रेस कहाँ का बता रहा है दोस्तों, ये देखिए ये मैंने एक रिव्यू सेटिंग कर ली, तो आप आई पी एड्रेस मेरा देखेंगे दोस्तों, जब मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर डाउनलोड टाइप करता हूँ फेसबुक, अभी ये फिलहाल ये टॉर ब्राउजर नहीं है, सरफेस वेब पे काम हो रहा है। टॉर ब्राउजर के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपका डॉट ओनियन में होगा, तो फिलहाल मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि मेरा जो भी मेरा आईपी एड्रेस है वो कहाँ का है। तो दोस्तों देखिए जैसे फेसबुक मेरा खुल रहा है, ये डग डग गो इसकी वेबसाइट है, जैसे हमारा गूगल क्रोम है तो वैसे ये डग डग गो है, एक सिमिलर सर्च इंजन है दोस्तों। तो देखिए जैसे ये मेरा दिख रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरा आईपी एड्रेस कहाँ का बता रहा होगा। तो जैसे आपको देख रहे हैं दोस्तों मेरा आईपी एड्रेस कई पार्ट में है, देखिए पहला मेरा डगडग फिर स्वीडन फिर रसिया फिर फ्रांस, तो मेरा आईपी एड्रेस एक जगह से दूसरी जगह पे हो के जा रहा है, जैसे मेरा अभी इस टाइम का आईपी एड्रेस फ्रांस का दिखा रहा है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं मेरा आईपी एड्रेस ये है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं डार्क नेट या डीप वेब, आप कैसे ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये डाउनलोड हो गया दोस्तों, तो सिंपली आप कुछ ना करिए दोस्तों, आप बहुत लोग कहते हैं कि वीपीएन यूज़ करें, तो मैं कहता हूँ आप वीपीएन मत यूज़ करें, क्योंकि हमारा जो भी टॉर है वो हमको खुद ही इतना वीपीएन दे रहा है, हमें खुद हमको इतना चार कंट्रीज हमारा हटा रहा है, हमारा जो आईपी एड्रेस है वो दो या तीन चार जगह के दिखा रहा है, होने के बाद दिखा रहा है। तो दोस्तों फिर वीपीएन यूज़ करने की जरूरत ही क्या, हमको वीपीएन वो यूज़ करते हैं जिनको मतलब कि डी पे या डार्क पे ज़्यादा उनको यूज़ करना रहता है, मतलब उनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होता है, तो उनके लिए वीपीएन ज़रूरी है। अगर आप मतलब कि आप चाहते हैं ऐसा सर्फिंग करना डार्क वेब डी वेब अपने कुछ नॉलेज वगैरह के लिए दोस्तों, तो अभी ना वीपीएन के लिए भी आपके लिए सही है। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ डीप वेब डार्क वेब पे कि वो कैसी होती हैं, और मैं आपको साथ साथ इसमें बताऊँगा कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिस पर आपको नहीं जाना चाहिए
अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन उस पर आपको कुछ फालतू चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको दिखा रहा हूँ कुछ वेबसाइट के बारे में, अगर आप बिगनर हैं, आप कोई भी एड्रेस नहीं मिलता, सिंपल मैं आपको कुछ वेबसाइट बताता हूँ जिससे आप उसका लिंक मिल सकता है। तो जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डार्क नेट वेबसाइट लिंक, तो दोस्तों आप ये डालेंगे डार्क नेट वेबसाइट लिंक, तो आपको यहाँ पे खुद ही वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे देखिए डार्क वेब न्यूज डार्क वेब लिंक डॉट कॉम, तो आप जो भी वेबसाइट पर क्लिक कर दिए, जैसे मैंने डार्क वेब 2019 की लिंक को कुछ क्लिक कर दिया दोस्तों, जैसे आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आपको, जैसे दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पर कुछ दिखाया है कि अगर आप मतलब कि हाई रिकमेंडेड, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप नॉर्थ का वीपीएन वगैरह यूज़ करिए सब वेबसाइट के लिए। तो जैसे दोस्तों दिख रहा होगा ये देखिए डार्क वेब लिंक 2019, यहाँ पर हर तरह के लिंक डार्क वेब की हर वेबसाइट मतलब जिस जिस कैटेगरी की लिंक है, जैसे आप लोग देखना चाहेंगे जैसे रिड्रग का है, ब्लॉक का है, हिटमैन है, रेंट है, हैकर लिंक, मतलब दुनिया भर की जितने भी लिंक होती हैं मैक्सिमम जो लिंक होती है डीप वेब की डार्क वेब की आपको यहाँ मिल जाएगी। अब जैसे आपको बहुत वीडियो देखेंगे जैसे रेड रूम है दोस्तों, तो रेड रूम ये है जैसे मतलब इससे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, बुरी बुरी चीज़ें मिल सकती हैं। मैं आपको बुरी चीज़ें नहीं अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे अब अच्छी चीज़ें क्या मैं आपको बुरी चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे आपको वेपन स्टोर लिंक में जाना है, देखिए वेपन दोस्तों मैं सिर्फ आपको ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ, इससे मतलब आप इसको कोई मतलब बुरे चीज़ों के लिए यूज़ ना करिए दोस्तों, मैं एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। जैसे दोस्तों ये दिख रहा है आपको, मतलब आपको जितने भी वेपन स्टोर लिंक है आपको ये मिल जाएंगे, आप इस पर क्लिक करके आप इस पर जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मतलब ये वेबसाइट कैसी होती क्या होती। मैं आपको इसको चेक करके नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, मैं आपको बस मेथड बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको कर सकते हैं, लेकिन जरूर आप करिएगा मत दोस्तों। चलिए मैं आ जाता हूँ कुछ अच्छी चीज़ों पर, जैसे मैं ब्लॉग आ जाता हूँ, तो इस पर बहुत अच्छे अच्छे आपको ब्लॉग मिल जाएंगे, मतलब कि क्या क्या हुआ, अच्छी अच्छी चीज़ें ब्लॉग वगैरह बड़े बड़े जो भी होते हैं दोस्तों। देखिए ये ब्लॉग्स हैं, इंटरनेट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन के लिए ब्लॉग है दोस्तों, क्रिप्ट नॉलेज फॉर एवरीवन है, मतलब कि अच्छी अच्छी चीज़ें, विकिलीक्स है यहाँ पे दोस्तों, बैड हैकर वगैरह, मतलब जितने भी आपको ब्लॉग चाहिए मतलब रिलेटेड स्टडी मटेरियल बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती है दोस्तों यहाँ पे। जैसे आपको मैं आपको बढ़िया देखता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ऊपर कहाँ इंटरनेट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी लोकेशन। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ, आप जब भी देखिए सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, ये मेरा डॉट ओनियन पे है और आप ये देखिए डॉट कॉम पे है, तो ये मेरा समझ लीजिए मेरा ये डीप वेब की वेबसाइट है। जब डीप वेब में जब भी हम आएंगे तो हमारे डॉट ओनियन हो जाएगा और ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप हम देख सकते हैं कि मेरा लोकेशन कहाँ कहाँ पे है दोस्तों। ये देख रहे तीन जगह चार जगह जंप हो रहे, तो उसको जब ओपन होता है दोस्तों ये तो ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको ओपन हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आपको देख रहा होगा ये बहुत टाइम लगा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये थोड़ा डीप वेब डार्क वेब आपको बहुत स्लो चलता है, थोड़ा स्लो रहता है आपके ये सरफेस वेब से। ये देखें दोस्तों दोनों वेबसाइट डॉट ओनियन में, ये देखिए ये वेबसाइट खुल गई दोस्तों। तो आपको ये दिख रहा होगा सिंपल सी वेबसाइट, आपको कुछ डरने की बात नहीं दोस्तों। देख रहे हैं आपको ये क्या अमेजॉन रिफंड स्कैम डॉट पीडीएफ, आपको दिख रहा होगा ये क्या है अमेजॉन ट्रेडिंग फ्रॉड एंड रिफंड बैंक प्रोडक्ट क्रेडिट कैश आउट की, मतलब कि आपको यहाँ पे जितने भी बोला जाता है दोस्तों। ये देख रहे हैं आपको ये सब पेड है BTC मतलब बिटकॉइन में, आपको ये मतलब एक तरह से अवर प्रोडक्ट हाउ टू बाई चूज अ प्रोडक्ट एंड प्राइस बिटकॉइन एड्रेस है दोस्तों, मतलब इस वेबसाइट भी क्रिएटेड शो पीपल सम ट्रेडिंग हैकिंग ट्यूटोरियल, मतलब इन वेबसाइट का है कि भाई इनको वेबसाइट पे आप ये आपको कार्डिंग एंड हैकिंग ट्यूटोरियल सिखाते हैं बिटकॉइन लेके, मतलब कि अगर आपको जिनको बिटकॉइन पे करेंगे देन ये आपको अपना ट्यूटोरियल पे करेंगे और आप पे करेंगे उसमें आपको ये हैकिंग वगैरह सिखाएंगे दोस्तों। तो जैसे इनका दिख रहा है 0.05 बिटकॉइन का कोर्स है, ये 0.1 बिटकॉइन, इसमें आपको क्या है इजी मनी फॉर ऑल इंक्लूड द, मतलब कि ये PDF में है सब, तो मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं आपको। हाउ टू हैक बिटकॉइन वॉलेट, मतलब सिंपल रहिए पूरा हैकिंग का दोस्तों, कि आपको ये कैसे हैकिंग करके सिखा सकते हैं वेबसाइट नहीं खुल रही दोस्तों। ये सब वेबसाइट जितनी भी ये लिंक है दोस्तों ये सब डीप वेब डार्क वेब की लिंक है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं मतलब चीज़ों इसमें होती क्या है। लेकिन हाँ मैं आपसे ये कहूँगा अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं
तो किसी भी अनवांटेड लिंक, या जैसे ये आपको इसे जब खोलेंगे तो अनवांटेड लिंक वगैरह पे आप क्लिक ना करें, तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, तो आप अगर डीप वेब डार्क वेब यूज़ करें तो इसको अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ करें। जैसे मान लें आपका इंटरेस्ट है मतलब कि चीज़ों को देखना, हाँ भाई क्या क्या चीज़ें, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये कि आप उस चीज़ों पर, आप जैसे आप हैक हो गया, जैसे ड्रग वगैरह ये सब वेबसाइट आपको दिख रहे दोस्तों, तो इस पर आप हो सके तो कम से कम ही जाएँ। मतलब आप देखना चाहें तो देख लें, लेकिन ज़रूरी नहीं आप उसको बार बार विजिट करें, चेक करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब कि आप उनकी नज़र में आ सकते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को बार बार करें, जाहिर सी बात है वो लोग आपको देख सकते हैं। मतलब जो भी वहाँ का सर्वर आपको कैश कर सकता है, हाँ ये बंदा ये आई पी एड्रेस का बार बार मेरे ऊपर आ रहा है, या इस ये बंदा मेरे पर आ रहा है। तो दोस्तों ये पूरा है मतलब डीप वेब डार्क वेब, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, ये सिंपल है, ये भी एक वेब ब्राउज़र है। मतलब आपको यूज़ करना है तो आपको अच्छी मतलब कि एक होता है ना अटेंशन रख के आप यूज़ कर रहे हैं, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, आप कितना उस पर टाइम दे रहे हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों है डीप वेब डार्क वेब पर। ये अपनी वेबसाइट है दोस्तों, ये सब है। बाकी आपकी वेबसाइट आती है दोस्तों, मतलब जो भी वेबसाइट होती है उनका लिंक आपको मालूम होना चाहिए। जो कुछ पर्सनल पर्सन टू पर्सन वेबसाइट होती है दोस्तों, जिनको बहुत कम ही पर्सन को पता होती है। ये पूरा दोस्तों ये डीप वेब डार्क वेब ये है आपका पूरा, ये जो डॉट ऑनियन ये डीप वेब की एक वेबसाइट है दोस्तों। चलिए मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ डीप वेब और डार्क वेब सरफेस वेब कितना ऊपर तक है, मतलब सरफेस वेब कितना और डीप वेब कितना। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ डार्क, तो ऐसा दिख रहा है आपको डार्क वेब साइड की इमेज में आते हैं जब हम दोस्तों, आपको ये दिख रहा होगा ये डार्क वेब कितना है और सरफेस वेब कितना है। तो इसको ही मान के चलते हैं, आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों सरफेस वेब हमारा क्या, विकिपीडिया हो गया, गूगल हो गया। अब डीप वेब देखो और डार्क वेब देखो, उसके नीचे है ड्रग ट्रैफिकिंग साइट, प्राइवेट कम्युनिकेशन, टॉल इनकैप्टेड, इलीगल इन्फॉर्मेशन, जो भी इलीगल काम होता है मैंने आपको पहले भी तो डार्क वेब डीप वेब बताया दोस्तों। अगर मैं इसको आपको परसेंटेज में दिखाऊँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इसको मैं अगर दिखाऊं तो देखिए सिर्फ 4% हम लोग सरफेस वेब यूज़ करते हैं, सिर्फ 4%। और 4% में कितनी चीज़ें आ जाती हैं आप जानते हैं, कितनी वेबसाइट है हमारी। अगर आप नेट पे सर्च, गूगल पे सर्च करें तो हाउ मेनी वेबसाइट, तो मतलब आपको मिलियन मतलब कि आपको करोड़ों में वेबसाइट मिलेंगी कि हाँ इतनी करोड़ वेबसाइट है अभी भी गूगल पे, लेकिन तभी वो 4% है। और अगर हम देखें डीप वेब डार्क वेब तो 96% है, तो सोच लीजिए कितना बड़ा होगा पर डीप वेब और डार्क वेब दोस्तों। तो ये दोस्तों इस वीडियो में आज बस इतना ही। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी वीडियो कि आप डीप वेब और डार्क वेब को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसमें क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और सिक्योरिटी की क्या क्या है, मतलब कि कैसे इसको सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।